बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरित्र मानस को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को लेकर समस्तीपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष देखा गया। कार्यकर्ताओं ने मंत्री की सद्बुद्धि के लिए कचहरी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर न्यायालय में इस विवादित बयान को लेकर मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ परिवाद दायर किया। इतना ही नहीं, आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन किया। शिक्षा मंत्री के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूबे के शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा के मंदिर में रामचरित्र मानस को लेकर जो विवादित बयान दिया गया है वो हिंदू आस्था के खिलाफ है। तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर जिस तरह से हिंदू ग्रंथ को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, बीजेपी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ आयोजन कर उनका पुतला दहन किया है और उनके खिलाफ परिवाद भी दायर किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के खिलाफ जो रामचरितमानस का अपमान करने का शिक्षा मंत्री ने जो काम किया है उसके खिलाफ हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री कौशल पांडे ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के सामने परिवाद पत्र दाखिल किया है, जिसमें रामचरितमानस को जो उन्होंने अपमानित करने का काम किया वो हमारा समाज जो रामचरितमानस समाज जोड़ने का काम करता है और समाज तोड़ने का जो वक्तव्य दे रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग परिवाद दाखिल किए हैं और माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पिछले दिनों जिस प्रकार बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के अपना कुत्सित विचार प्रकट किया, जिस देश को राम के नाम से जाना जाता है, पूरे विश्व में राम के नाम से भारत देश को जाना जाता है, वैसे धर्म ग्रंथ पर शिक्षा मंत्री का इस प्रकार का टिप्पणी उनके विचारधारा को और उनके कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार राजद और जदयू की सरकार की मानसिकता किस प्रकार की है और किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण और विशेष करके एक समुदाय को खुश करने के लिए किस प्रकार से यहाँ के करोड़ों लोगों के भावनाओं को ठेस पहुँचाने का वो काम किए हैं। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग किस प्रकार से गुस्से में हैं और इस देश में ऐसे लोगों का कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है लोगों के बीच में। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा है? आज हम लोग कार्यक्रम रखे हैं कि आज हम लोग जिला केंद्र पर सुंदर कांड का पाठ करेंगे और आज शिक्षा मंत्री पर हम लोग आज परिवाद दायर करेंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके बाद हम लोग यहाँ के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन का भी कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक बयान उन्होंने दिया है, तो रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो पूरे बिहार की माहौल को उन्होंने खराब किया है, पूरे हिंदुस्तान की माहौल को उन्होंने खराब करने का काम किया है। रामचरितमानस जैसी पवित्र ग्रंथ पूरे भारतीय लोगों की आत्मा है, हम उस पवित्र ग्रंथ के खिलाफ एक भी शब्द कोई अगर अपमानजनक की जाती है तो हम उसको अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। और इसके लेकर के आज उस जो पूरे बिहार में एक वातावरण खराब हो गई है उसके उसको सही करने के लिए बिल्कुल भक्तिमय माहौल करने के लिए आज सभी सनातनी लोग हनुमान मंदिर पर बैठ करके सामूहिक सुंदर कांड पाठ का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि इस सुंदर कांड के माध्यम से पुनः एक बार वातावरण बिल्कुल भगवामय हो जाए। जय जय श्री राम। जो आपत्तिजनक बयान दिया गया है उसे करोड़ों हिंदू के भावना को ठेस पहुंचा है। आज समस्तीपुर सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के समक्ष हमने परिवाद पत्र दाखिल किया है।
जिसमें हमने अनुरोध किया है कि कड़ी से कड़ी सजा प्रोफेसर चंद्रशेखर को मिलनी चाहिए, जो बिहार के गरिमामय पद पर आसीन है, शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन है। क्या कुछ पूरा मामला है? रामचरितमानस पर जो प्रश्न उठाया गया है उनको अध्ययन करना चाहिए। तो हमें नालंदा ऐसा यूनिवर्सिटी में जाके दीक्षांत समारोह में जाके बोले हैं, बार बार हिंदुओं के देवी देवताओं पर प्रहार किया जाता है, अध्ययन कर लेते उसके बाद बोलते, जबकि वो अपने नाम के आगे प्रोफेसर भी लगाए हुए हैं, शिक्षा मंत्री हैं। तो ये मंत्री का दुर्भाग्य है, बिहार सरकार की दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को मंत्री माननीय नीतीश जी से तो हम आग्रह करते हैं जो ऐसे मंत्रिमंडल को में वैसे मंत्री को निष्कासित कर दिया जाए। इसीलिए रामचरित मानस पर जो प्रश्न उठाए गए उसी के समय में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ माननीय अध्यक्ष जी सभी लोग के साथ हम लोग सुंदरकांड का आयोजन किया, हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे, फिर परिवारवाद जाहिर किया जाएगा, पुतला दहन का भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अविनाश सिंह चंदेना हूँ, यूथ के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष। तो जो मंत्री है चंद्रशेखर जी ने हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोले हैं, रामायण के खिलाफ बोले हैं, रामायण में जो सभी गरीब तबके को लेकर के सेबरी से लेकर के सबको लेकर चलने का प्रबंध है उसके खिलाफ इन्होंने बोला कि ये धर्म हमेशा छुआछूत को मानती है, मानते हम इसका विरोध करते हैं। और इसका विरोध का सबसे पहले शुरुआत जो है रोड पर भी आंदोलन करेंगे, उनका पुतला भी दहन करेंगे, लेकिन आज शुरुआत सुंदरकांड से कर रहे हैं और हनुमान जी का हम सुंदरकांड और इस मंदिर पर करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसे कुकर्मी ऐसे अबुद्ध आदमी को बुद्धि दे और इनको ज्ञान दे कि ऐसे हिंदू धर्म के खिलाफ ये लोग नहीं बोले, और अगर इसमें हिम्मत है तो दूसरे धर्म के खिलाफ बोले। हमेशा हिंदू धर्म सभी को लेकर चलने वाला यह धर्म है, इनका जो रामायण है जो सभी को साथ लेकर चलने वाला है, हमेशा इसी लोग के खिलाफ ही लोग बोलते हैं। अगर इसमें हिम्मत है तो आप उनके किसी और धर्म के खिलाफ का बोलने दें, इनको जीना मुहाल कर देगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री।